हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम यतिन और आप देख रहे हैं जैसे ट्रेडिंग ब्लॉग्स। तो आज का दिन यहीं पे खत्म। अब अभी तो शुरू ही किया है। आज का दिन यहीं पे खत्म। राजेश मित्र, आज मैं 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का डे 74वां, मतलब 74th डे अभी बज रहे हैं। एक मिनट, टाइम टाइम हो रहा है इतना, इसलिए मैंने ब्लॉग चालू कर दिया क्योंकि 12 बजे 2:41 ठीक है। और मैंने इसे चालू कर दिया क्योंकि नेक्स्ट डे लग चुका है और यही मैंने ब्लॉग अपना कल वाला एंड भी किया था। तो भाई फिर से बताना चाहूँगा, इस भाई ने मुझे रहती देर तक जगा के रखा। मेरा कोई चाहने का मन नहीं था, मैं डेली सो जाता हूँ 1:30 बजे तक, पर इसने बोला आज आया है तो गेम खेल ले और कोल्ड कॉफ़ी भी पी और ये कोई तरीका है बहन का? क्या ये कोई क्या तरीका है बहन को सोने का? और ये कोई तरीका है? आईफोन चला रही है ये देखिए। उठ उठ नहीं उठ, ऐसे कोई चोर आ गया फिर चलना सुन ले जा भैया, बहुत बेहुदा स्टाइल है। फिलहाल अभी हम सोएंगे, सुबह मिलेंगे कल। यार मेरे को पंखा चला के भर 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 भैया, ये सर्दियों में चारों पंखा चला के सोता है। मैंने इसे इतनी बार मना करी, पाँच पे भैया मेरे को तो रजाई दे दी भाई, मैं तो मर जाऊंगा। रजाई मैं सोता हूँ बिना बिना पंखे के और रजाई उड़ के, ये तो सोता है। फुल गर्मी मिलेगी रजाई में, और ये भी रजाई में सोएंगी दीदी हमारी। और एक और चीज़ भाई, कि कल हम ट्रेडिंग शायद ही कर पाएंगे। वैसे आज की ट्रेडिंग का देख लिया आपने, लॉस कितना हुआ कल वाली का, क्या दिखाना चाह रहा है? दिखाओगे तुम खाओगे। तो ये था हमारा आज का लॉस। कुछ देखो गाइस, चूर फट चुके हैं, मतलब आज का और नहीं मतलब हमारा कल का लॉस कैपिटल हो चुका है देख लो, कैपिटल देख के आप देख लेना 6,587 रुपीज़। ठीक। अरे सही दिख रहा था, सही दिख रहा है। तो मेरे कहने, विड्रॉल भी मारो, विड्रॉल मार ले, अमाउंट खत्म करते हैं सब चीजें। छः तेरा छः मेरा, छह इतने तो तो है नहीं। अबे छह तो है ही। हेलो हाँ तो गाइस, मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है और यहीं से आज हम चैट, हाँ यहीं से आजम, क्या यहीं से आजम ट्रेडिंग शुरू करेंगे। अरे ये ऐसे ही करता रहेगा। देखो गाइस, तो मेरे कहने का मतलब ये है, अभी हम लोगों को सोना भी है और कल हमें को जाना है मम्मी के साथ, कहाँ शक्तिखंड। ओफो आई लाइक इट, कल मम्मी के साथ जाना है शक्तिखंड। मम्मी का मतलब दवाई, मतलब होम्योपैथी डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो आप मेरे को इसमें देख पा रहे हैं बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर लड़का हूँ, इसलिए मैं कहीं भी देख सकता हूँ आप लोगों को। द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो गाइस अभी हो गई है सुबह 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 11 बज रहे हैं और मैं आया जतिन भाई के घर से। भाई आज ट्रेडिंग हो गया फिर लॉस। जतिन भाई उठे, उठ के उन्होंने ट्रेड ली और आज मार्केट बैंक निफ्टी खुली है 500 के गैप अप पे। मार्केट खुलने के बाद वहाँ एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस भी था, मतलब काफ़ी दिन पुरानी ट्रेड का, और 4,700 पे भी थी, तो मतलब 4,800 पे थी सॉरी, तो उससे ना मतलब उसे ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल था। जतिन भाई ने सोचा कि भाई लोग तो ये देख नहीं पाएंगे, मार्केट को ब्रेक करेगी ये वो मार्केट फुट में जाएगी। उसने नीचे की ले ली, मार्केट चली फिर तोड़ के फिर ऊपर चली गई। फिर उसके बाद जब उसने उसके बाद अमाउंट हमारे पास अमाउंट अब बहुत कम हो गया था, तो उसने निफ्टी बैंक में ली, सॉरी निफ्टी बैंक कह रहा हूँ, निफ्टी 50 में ली। तो उसके अंदर उसने ले ली पुट की, तो मतलब सॉरी कॉल की, तो मार्केट नीचे जाने लग गई, मतलब जहाँ ले रहे हैं वहीं से मतलब रिवर्स हो गई। तो पता नहीं आज कितना हुआ है, मैंने देखा नहीं क्योंकि मैं तो निकल के आ गया, तो मेरे को बस उसने अभी बताया है और मैं निकल के आ चुका हूँ। मैं नहा धो लिया हूँ और बस अब निकल रहा हूँ, मम्मी को लेके जाना है डॉक्टर, मैंने आपको बताया था। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, जब तक मैं पहले चाय वाय पी लेता हूँ जल्दी से और उसके बाद चलते हैं। और आपको बता दूंगा यार आज जिम में कि जतिन से जब मिलूंगा कि कितना लॉस हुआ, क्या क्या हुआ। ठीक है, अभी फिलहाल चलते हैं और मिलता हूँ आप लोगों से वहाँ जाके। तो गाइस टाइम हो चुका है 2:30 और मैं आ गया हूँ घर पे और अभी खा रहा हूँ पुलाव। और फिलहाल अभी हम लोग शायद आज जिम जाएंगे शाम में, मम्मी खेल गया था डॉक्टर के पास और वहाँ से आ गया। मैंने अभी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए बिकॉज त्यागी भाई आ रहे हैं हम लोगों से मिलने, जब मिलूंगा तभी बताऊंगा आप लोगों को बाकी सब कुछ। अभी फिलहाल रेडी हो गए हैं जैसे, और मैं जाएंगे और फिर मिलते हैं। फिलहाल अभी ये खाता पीता हूँ और उसके बाद निकलते हैं। ओके लेट्स गो।
गाइस व्हाट मील वाज रेडी और अभी बज रहे हैं कितने देखो साढ़े छः बजने में भी छः पंद्रह हो रहे हैं करीबन, ठीक है 6:20 मान लो। तो अभी मैं आ गया हूँ भाई जिम से और जिम से आके मैंने ओट मिल जल्दी रेडी कर ली। वैसे मैंने बोला था आप लोगों को सुबह ओट मिल खाऊंगा भाई, जितने दिन से सर्दियाँ बढ़ गई हैं ना सुबह ठंडा दूध पीने का मन नहीं करता पहली चीज़, लेकिन दूसरी चीज़ ना मैं 3 दिन से शेक पी रहा हूँ। पहले दिन मैंने ये सोच के पिया कि कल ओट मिल खाऊंगा, उस दिन अगले दिन नहीं खा पाया, चल कोई बात नहीं। उस दिन शाम में ओट मिल खाने का मन था, नहीं खाई क्यों, क्योंकि राहुल का बर्थडे था, चलना चल कोई बात नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं राहुल के बर्थडे ऐसे दिन वहीं अगले दिन वहीं पे रुका पूरे दिन, तो ओटमील नहीं खा पाया। फिर घर पे आया तो रात में फिर मैंने वो सब खाया था, आप लोगों को दिखाया था अगर आपने ब्लॉग देखा हो तो। उसके बाद अब कल मैंने शाम में शेक पिया था कि अगले दिन ओटमील खाऊंगा, तो कल जतिन के यहाँ पे सो गया, तो फिर कल सुबह भी ओटमील नहीं खा पाया। जब तक आया फिर रेडी वगैरह हुआ, फिर मम्मी साथ वहाँ चला गया डॉक्टर के पास। तो मतलब ये है कि एक तरीके से सूटेबल नहीं बैठ रहा था, मैंने यार मन कर रहा है ओटमील खाने का, साला खाई लो देखी जाएगी सुबह खाएंगे नहीं खाएंगे, भले सुबह शेक पी लेंगे, यार शेक पीना सुबह सुबह पीना आसान हो जाता है, पर ओटमील ना सुबह खाना आसान नहीं होता क्योंकि शेक तुम बना के घर पर पी भी सकते हो, ओटमील जल्दी जल्दी बनाना और उसका ठंडा दूध पीना मतलब नॉट पॉसिबल। अभी फिलहाल भाई देखो टेस्टी टेस्टी मेरे को बहुत पसंद है भाई ये, इसलिए सब डाल दिया मैंने, सब कुछ डाला है, मतलब सारे ड्राई फ्रूट डाले हैं, केले डाल दिया और पीनट बटर डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, ओट्स डाल दिया, सब कुछ एवरीथिंग। और अब जल्दी जल्दी से खाते हैं और उसके बाद मिलूंगा आप लोगों से। 3 hours later तो गाइस टाइम हो रहा है 10:15 और अभी मैं खाना खा रहा हूँ। मैं यार एडिटिंग कर रहा था, अच्छा खासा व्लॉग भी डाल देता, पता नहीं यार कैसे एडिटिंग करते करते नींद लग गई तो सो गया, और अब सो के उठा हूँ और दीदी आ गई हैं, दीदी गई थी आज हेमू भैया का बर्थडे भेजा था, हैप्पी बर्थडे टू यू, पार्टी दे दो। और ये इनने देखो आते ही फुकरे 3 मूवी लगा ली। वैसे दी आप सैम बहादुर मूवी देख के कैसी लगी? अच्छी थी, मतलब ठीक थी, मतलब पूरे वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में था, सैम बहादुर जी के बारे में था, वो सैम बहादुर थे उस टाइम पे, मतलब ऐसा था ठीक ठाक। हाँ। बीच में सारी पुरानी क्लिप्स डाली हुई थी आधे से ज्यादा, पर ये था कि मतलब सिनेमा में मत देखो जाके, सिनेमा में मत देखो जाके, सिनेमा में देखने था एनिमल देखते, देशभक्ति थी, देशभक्ति थी बट हाँ, सिनेमा में मत देखो, मतलब ऐसे लाइक जैसे कि मतलब ऐसे लाइक कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि एनिमल सिनेमा में देखने लायक है, उसमें देखने में मजा ही आ जाएगा, उसके VFX वगैरह तकड़े हैं, ये आप नॉर्मल टीवी पे लगा से हम जैसे देख रहे हैं ये देख सकते हो। और हाँ फुकरे 3 मूवी तो भाई बहुत बेहतरीन थी भाई ये तो ठीक। और फिलहाल अभी मैं ये भी देखता हूँ खाना पीना खाते हैं, बाकी ये तो भाई आज का एक ब्लॉग, अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर दे, क्या बोला दीदी ने, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और कमेंट कर देना और फिर सो जाना। अरे वे शेयर कौन करेगा, अच्छा, सुला दिए बंदे सुला दिए भैया ठीक। तो बाकी भाई मिलूंगा कल आप लोगों को एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।